बिहार के एक जिले चंपारण में गोरे जमींदार किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। गोरे जमींदारों की मुनाफाखोरी और शोषण के कारण किसान पिसता चला जा रहा था। किसानों की समस्याओं पर सारे देश की जनता का ध्यान आकर्षित कराने का बीड़ा उठाया चंपारण के एक राजकुमार शुक्ल ने। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार एक किसान ने अपने दुख का बयान किया। राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आकर हालात स्वयं देखने का अनुरोध किया और ये कहा था कि मैं नहीं जानता कि किसानों के इन कष्टों का कांग्रेस में बयान करने का मेरे वापस लौटने पर क्या नतीजा होगा। गोरे जमींदार मुझे गिरफ्तार करा देंगे। इसके बाद गांधी जी और राजकुमार शुक्ल दोनों पटना गए। पटना में एक जगह थी जहां पे राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे। तो सबसे पहले गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए। राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे लॉयर थे और आजाद हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति। अब जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ल लॉयर के घर जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं, तो वो घर पे नहीं होते, उनका नौकर होता है घर पे। तो नौकर राजकुमार शुक्ल को पहले से ही जानता था कि यार ये किसान है और जो राजेंद्र प्रसाद जी को हमेशा परेशान करता है। गांधी जी पहली बार आए थे तो नौकर ने समझा कि गांधी जी भी एक किसान होंगे। नौकर कहता है कि हाँ भाई क्या चाहिए। गांधी जी कहते हैं जी हमें मिलना है। नौकर कहता है अभी वो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं, शहर से बाहर गए हुए हैं, तो आप लोग बाहर रुक जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, अंदर मत आओ, जैसे ही आएंगे मैं मिलवा दूंगा। गांधी जी को ऑकवर्ड लगता है कि यार मुझे बाहर क्यों रुकवा रहे हैं, वो भी ज़मीन पे। गांधी जी कुछ नहीं कहते और बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गांधी जी को प्यास लगती है तो पास में एक कुआं होता है। गांधी जी कुएं के पास जा रहे होते हैं तभी नौकर उनको रोकता है, हाँ भाई कहाँ जा रहा है। तो गांधी जी कहते हैं भाई मैं पानी पीने जा रहा हूँ। नौकर कहता है नहीं पागल है क्या, मैं तेरे को पानी पिलाऊंगा। तो नौकर पीछे करके गांधी जी को खुद पानी पिलाता है दूर से। गांधी जी को तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार मुझे कुएं के पास नहीं जाने दिया। और राजकुमार शुक्ल से पूछता है जी ये क्या सीन है। तो राजकुमार शुक्ल कहता है जी देखो ये आपको ना अछूत मान रहा है, आपको मान रहा है नीची जाति का है, इसीलिए आपको पानी पीने नहीं दे रहा। ये क्वेश्चन पेपर में आता है ये वाला टॉपिक। गांधी जी ने किसानों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद भारत में गांधी जी का ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम था। इससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफल राजनीतिक आंदोलन संचालित कर चुके थे जिनसे उन्हें भारत में भी काफी ख्याति मिल चुकी थी। इसी वजह से उनके चंपारण पहुंचते ही गोरे घबरा गए। गांधी जी चंपारण में लोगों से मिले। अंग्रेजों के द्वारा की गई उनकी दुर्दशा उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखी। इसी बीच ब्रिजकिशोर वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक जैसे बड़े नेता गांधी जी से मिलते रहे। तभी अचानक एक दिन अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। देखो 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 कैसी जबान पकड़ते हैं, कितनी देर से ये सरकारी तोता गांधी जी को परेशान कर रहा है। अरे गांधी जी उस भाड़े के टट्टू से कोई डरते हैं? हैं? वो भी पढ़े लिखे हैं, कानून पढ़े हैं, उन्हें ये क्या परेशान करेगा। वो देखो गांधी जी तो मुस्कुरा रहे हैं। भाई इतना शांत स्वभाव आदमी नहीं देखा, चाहे कितनी बातें करियो सरकारी वकील ने, पर गांधी जी ने एक बार भी ऊंची आवाज नहीं की। देखो हमारे गांधी जी से बार बार कह रहा है कि आप बाहर के आदमी हो, आप वापस जाओ। क्यों जाएं वापस? अरे हमने बुलाया है, अब तो हमारे दुख मिटा के ही जाएंगे। अरे ऐसा बोलो, इन निर्लज्ज गोरों के कान इधर ही लगे रहते हैं, कहीं तुम्हें देख लिया तो जबान ही खींच लेंगे। हाँ सरासी बात पर छदमी को कोड़े मार मार का क्या हाल किया था, देखा था ना। हाँ भाई ठीक कहते हो, हम गुलामों को तो सांस भी छिप कर लेनी होती है, देखें गांधी जी हमारे लिए क्या करते हैं। वो देखो सिपाही इधर ही आ रहा है। तुम ऑर्डर ऑर्डर,
आप लोग शांत रहिए। हाँ तो मिस्टर गांधी, अपनी सफाई में आपको कुछ कहना है? मिलॉर्ड, आपकी आज्ञा से मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि किसी की सहायता करना गुनाह है तो मैं अपराधी हूं। बात को यूं मत टालिए मिस्टर गांधी। अभी तक आप इस बात को मान रहे हैं कि आप चंपारण के किसानों को भड़का रहे हैं। वकील और... साहब, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। आप तो मुझे खामखा दोषी ठहरा रहे हैं। चलिए, आपका यह आरोप सही मान ही लिया जाए तो। देखिए देखिए योर ऑनर, अपराधी कितना चालाक है, अपराध मानता है और नहीं भी। पिछले 4 घंटे से मिस्टर गांधी इसी तरह अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर गांधी, आपको जो भी कहना है आप सीधा और साफ कहिए। यस योर ऑनर, मैं जो कुछ कह रहा हूं सीधा साफ और सत्य कह रहा हूं। मेरी बदकिस्मती यह है कि सरकारी वकील साहब सब कुछ सुनने के बाद दोबारा से सफाई मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आखिरी बार अपनी साफ बात कहकर मुझ पर कृपा करेंगे। जी हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। योर ऑनर, मैं बार बार कह चुका हूं कि चंपारण में मैं राजकुमार शुक्ल के बहुत बार कहने पर आया था। उस समय जो कुछ मुंह से सुना विश्वास नहीं आया, किंतु यहां आकर इन गरीब किसानों के घर घर जाकर जो मैंने देखा वो सिर्फ बुरा था जो मुझे बताया गया था। ऐसा क्या देख लिया आपने? मैंने देखा छोटे छोटे गांव के किसानों के घरों में भूख से बिलखते बच्चे, बीमारी गंदगी और अभाव में सहती औरतें, आदमी बूढ़े और दिन रात जानवरों की तरह काम करने के बाद भी ना इन्हें भरपेट रोटी, नसीब में तन पर कपड़ा। क्या आप जानते हैं वो बेचारे किसान जो मुश्किल से थोड़ा अन्न उगाते हैं आपके सरकारी कानून के मुताबिक, उन्हें उसमें से एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। और यही नहीं, आपके तीन कठिया कानून के मुताबिक उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में इन नीलहे गोरों के लिए जबरन नील की खेती करनी पड़ती है। कानून को मानना रियाया का फर्ज है, इसके बदले सरकार उन्हें तरह तरह की सुविधाएं देती है। सुविधाएं शब्द का बड़ा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं आप वकील साहब। ये ना समझ किसान तो शायद ठीक से जीने का हक भी नहीं समझते। सुविधा के बारे में क्या जानेंगे? इन गरीब किसानों की खेती रहे या उजड़ जाए, लगान इन्हें फिर भी देना है। ये भी तो आपकी सरकार का ही एक कानून है ना? ओह, तो आप सरकार के कानून को चैलेंज करने आए हैं, है ना? आप जानते हैं इसका नतीजा? वकील साहब, मैं यहां कोई तोड़फोड़ करने नहीं आया। मैं तो इन सीधे सादे किसानों की दुर्दशा दूर करने का प्रश्न लेकर आया हूं। देखा जाए तो जो काम मैं करने आया हूं वो तो सरकार को करना चाहिए। प्रजा सुखी हो तो सरकार भी सुखी रहती है। सरकार को आपके उपदेशों की जरूरत नहीं। आप ठीक है वकील साहब, तो ठीक है, मेरे भोले भाले किसान भाई ही सत्य और अहिंसा की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें विजय प्राप्त न हो जाए। देखिए देखिए योर ऑनर, लड़ाई की धमकी दे रहे हैं। ऐसे ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर गांधी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें तो अच्छा होगा। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं तो इस बात पर गौर किया जाए मिलॉर्ड कि अभियुक्त मिस्टर गांधी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इतनी दूर से चलकर ये चंपारण में ही क्यों आए। ऑर्डर ऑर्डर, आप गुस्से में ना आए वकील साहब। मैं चंपारण के किसानों को अपना ही भाई समझता हूं। उनकी ओर से नम्रता पूर्वक यह आवाज उठाने आया हूं कि जब तक उनकी दशा नहीं सुधरेगी मैं सरकार से सविनय प्रार्थना पूर्ण हट करता रहूंगा कि वो इस ओर ध्यान दें।
मैं ये प्रण करता हूं कि जब तक ऐसा नहीं होगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सरकार चाहे तो मुझे गुनाह की सजा दे सकती है। गांधी जी की जय! 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 इस कोर्ट वाले सीन के बाद अंग्रेज गांधी जी से डर जाते हैं कि यार ये बंदा कुछ है। लेकिन कोर्ट कह देती है ये बात कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंडिगो की प्रॉब्लम है, लगान की प्रॉब्लम है, सबूत ले आओ, सबूत ले आओ और आप जो चाहो वो हो जाएगा। तो क्या होता है, गांधी जी अब पता करते हैं कि रियलिटी में सीन क्या था। आपको समझ में तो आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या थी। दरअसल मैं एक बार और समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या। पहली बात, किसान को लगान की प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और भी थी। क्या था कि जो इंडिगो की खेती हुआ करती थी वो किसान उगाया करते थे एज अ टैक्स। ब्रिटेन वाले क्या करते थे, इस इंडिगो को जर्मनी में बेचा करते थे, लेकिन जर्मनी वालों ने उस टाइम पे सिंथेटिक इंडिगो उगा लिया। अब उससे उनको ब्रिटेन की, इंडिया से आई हुई इंडिगो की जरूरत नहीं थी। इट मीन साफ था कि अब इंडिया में इंडिगो की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया, ब्रिटेन वालों ने इंडिया वालों से कहा, हाँ भाई अब आप लोगों को इंडिगो नहीं उगाना। सब लोग खुश हो गए कि चलो यार अंग्रेज कुछ तो सोच रहे हैं हमारे बारे में। अगर आपको इंडिगो नहीं उगाना तो आप इतने रुपये दे दो और हम आपको इंडिगो छोड़ देंगे। अब किसानों ने सोचा कि यार दे दो पैसे, इंडिगो से तो बचेंगे। किसानों ने पैसे दे दिए। उनको कुछ दिन बाद पता चला किसानों को कि यार अगर हम पैसे नहीं देते फिर भी ठीक हो जाता, क्योंकि जर्मनी में ऐसा ऐसा सीन हो गया है। तो ये भी एक सीन था कि हमें वापस पैसे चाहिए। अब कोर्ट से आने के बाद गांधी जी ने अपने जितने भी मित्र थे, जितने भी राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद और जितने भी लोग थे, उनसे पूछा कि भाई अगर मैं आज जेल चला जाता तो तुम लोग क्या करते। तो सब लोग कहते हैं सर हम लोग अपने अपने घर चले जाते। तो गांधी जी गुस्से में पूछते हैं अगर तुम लोग घर चले जाते हैं तो इन गरीब किसानों का क्या होता। राजेंद्र प्रसाद और कुछ लॉयर सोचते हैं कि यार ये बंदा तो बिहार का है ही नहीं, फिर भी ये यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहा है और हम लोग तो यहीं के हैं। तो लॉयर्स कहते हैं जी अगर आप जेल चले गए तो हम भी जेल चले जाएंगे। उस टाइम पे गांधी जी कहते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, अब समझ लो कि चंपारण की लड़ाई हम जीत चुके हैं। तिनकठिया कानून के सिलसिले में अंग्रेज सरकार ने बहुत दांव पेच खेले, किसानों को डराया, धमकाया, गांधी जी को गुमराह करने की कोशिश भी की गई थी, किंतु गांधी जी धीरज और दृढ़ता से अपने काम में जुटे रहे। धीरे धीरे सरकार की समझ में बात आ गई कि हिंदुस्तानी फकीर बादशाह के न्याय के आगे उन्हें हार माननी ही होगी। सरकार ने पैंतरा बदला, लाट साहब का हुक्म हुआ गांधी पर से मुकदमा उठाया जाता है, इस शर्त पर कि वे किसानों की दशा पर जल्दी से जल्दी छानबीन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट दें और चंपारण से चले जाएं। सच्चाई जानने के बाद सरकार किसानों के साथ पूरा पूरा न्याय करेगी। बिहार के गवर्नर ने सरकारी अधिकारियों की एक जांच समिति बनाई, गांधी जी को भी एक सदस्य माना गया। गांधी जी की जय! गांधी जी की जय! गांधी जी की जय! गांधी जी की जय! मेरे किसान भाइयों, हमने सत्य की लड़ाई आधी जीत ली है। आपने इसी धैर्य और साहस एकता का परिचय भविष्य में भी दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकेगी। आइए
आइए हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ें। गांधी जी की जय। गांधी जी की जय। गांधी जी की जय। गांधी जी की जय। किंतु गोरी सरकार के तर्कस में अभी एक तीर और बाकी था। गांधी जी ने खोजबीन आरंभ की ही थी कि डिप्टी कलेक्टर ने गांधी जी को एक संदेश भेजा। मिस्टर गांधी, चंपारण में खोजबीन करने का अधिकार आपको सरकार ने दिया है, लेकिन इस मामले में आपकी मदद हमारे सरकारी कर्मचारी करेंगे और आपको उनके सामने ही सब बातचीत करनी होगी। इस प्रकार गोरी सरकार ने सोचा कि किसान कर्मचारी और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनके डर से कुछ कह न पाएंगे और गांधी जी झूठे साबित होकर निराश लौट जाएंगे। गांधी जी की उपस्थिति से किसानों को बल मिला और वे बिना डरे अपनी तकलीफें बताने लगे। गांधी जी, गांधी जी, मेरे सारे परिवार से जबरदस्ती हो रही है। मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों से सरकार अपनी खेती में मुफ्त काम करवाती है। मेरी बीबी मेम साहब की चाकरी में दिन रात एक कर देती है, लेकिन हमें भरपेट खाना नहीं मिलता, मजूरी नहीं मिलती, तन पे कपड़ा नहीं। हमारा न्याय हो गांधी जी, हमारा न्याय हो। धीरज रखो भाई, हम तुम्हें न्याय दिलवाने ही तो आए हैं। और मैं गांधी जी, मेरी सुनिए, अंग्रेज सरकार हमसे बेगार तो लेती ही है, हम पर मन चाहे टैक्स भी लगाए जाते हैं, चाहे हमारी फसल हुई हो या उजड़ गई हो, इनके टैक्स के खाते में हमारा नाम जरूर होता है। Hey man, तुम झूठ बोलता है। हम तुम्हारा खेत देखा और फसल भी देखा, टैक्स काहे को माफ करेगा? यू सरकार से बेईमानी करता है तुम। बेईमानी हमारे साथ हो रही है। मेरे खेत पर फसल मेरी नहीं तुम्हारी है, नील की फसल। मुझे देखिए गांधी जी, अंग्रेज सरकार के अत्याचार मेरे चेहरे पर लिखे हैं, मुझसे बोझा उठवाया जाता है, मजदूरी का पैसा नहीं मिलता, मैं बेसहारा औरत आवाज उठाती हूँ तो बूटों से पीटी जाती हूँ। मुझसे तो उस गोरी मेम का कुत्ता ही अच्छा, भरपेट रोटी तो खाता है। शिकायतें बढ़ती गईं। गांधी जी की जांच का नतीजा निकला कि वे भोले भाले किसान, स्त्री, बच्चे निलहे गोरों के अत्याचारों के नीचे जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। समिति ने सिफारिश की कि निलहे गोरों ने अवैधानिक रूप से किसानों का जो हिस्सा छीना उसे वापस किया जाए, जनता पर हर प्रकार की ज्यादतियां बंद हों और इस प्रकार 100 वर्षों से चली आ रही तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाए। अभी गांधी जी को इसके बाद भर भर के सबूत मिलते हैं। गांधी जी कोर्ट में लेके जाते हैं। अब कोर्ट वाले भी ऑब्वियस सी बात, उन्होंने कह रखा था सबूत ले आओ, हम पैसे वापस कर देंगे। कोर्ट में सारे सबूत पेश कर देते हैं। अब अंग्रेज कहते हैं भैया हम आपको 100% पैसे वापस नहीं कर सकते, हम आपको 50% देंगे। गांधी जी कहते हैं लाओ 50% लाओ। फिर अंग्रेज कहते हैं भाई 50% भी नहीं, 25% देंगे। गांधी जी कहते हैं लाओ 25% लाओ, तो 25% दे देते हैं। अब सब लोग पूछते हैं गांधी जी से, गांधी जी अगर आप 100% भी मांगते तो वो पैसे वापस कर देते, आप 25% पे क्यों मान गए? तो गांधी जी बोलते हैं देखो भाई, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उन्होंने कितने रुपये दिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट उन्होंने पैसे दिए, क्योंकि
अंग्रेज आज तक कभी झुके नहीं थे और पहली बार अंग्रेज झुक के पैसे दे रहे थे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पैसे दिए। इस तरीके से गांधी जी ने चंपारण में इंडिगो की प्रॉब्लम ठीक की। बस यही था इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच।